नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखेंगे HDFC बैंक के शेयर में 19 जून के लिए हमें क्या क्या नज़र दोस्तों बनाए कर रखना है। दोस्तों नोटिस कर सकते हो HDFC बैंक का हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। यहाँ सब देखें तो स्टॉक आपको ऐसे तो अगर बात करें स्टॉक आपको यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड करे काफ़ी टाइम से नोटिस करेंगे तो स्टॉक इस तरीके से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पर रेंज लेके नीचे आ रहा है तो यहाँ तक आएगा तो फिर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बढ़ सकता है। तो अभी के लिए आप देखें तो आपके यहाँ पे सपोर्ट लाइन जो देखने को मिला वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1540.80 का रहेगा सपोर्ट लाइन। अब नेक्स्ट सपोर्ट लाइन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1473.75 का। रेजिस्टेंस लाइन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1627.25 का रहेगा रेजिस्टेंस लाइन। जब इसका ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1660 का, उसके बाद रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1731.40। दोस्तों HDFC बैंक के शेयर में अगर इसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल्स पर ध्यान रखने की आवश्यकता है तो आपको देखने को मिल जाएगा सपोर्ट लाइन जो कि रहेगा 1593 या 94 का रहेगा सपोर्ट लाइन। और दूसरा सपोर्ट लाइन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1580 का। रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिलेगा 1611.75 का। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1618.65 का। दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए और भी बहुत सारे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू।